समीर और कशिश ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे। जहां कशिश पढ़ाई में बेहद होशियार थी, वहीं कबीर को पढ़ाई से नहीं बस कशिश से मतलब था। जहां कशिश बेहद खूबसूरत थी, वहीं कबीर मुहासों से भरे अपने चेहरे को अपने जैकेट की हुडी से छुपाता रहता था और हर वक्त कशिश की खूबसूरती को निहारता रहता था। दोनों में मानो आकाश और पाताल का अंतर था, पर शायद इसी अंतर ने कबीर को कशिश का दीवाना बना दिया था। पर आज तक कबीर अपने दिल की बात कशिश से नहीं कह सका था। शायद वो जानता था कि कशिश उसको कभी नहीं अपना पाएगी, पर कबीर का प्यार इतना गहरा था कि वो कशिश का ध्यान दूर से ही रखता था। कबीर यूं दूर से ही कशिश को प्यार करके खुश था, पर फिर उसके कॉलेज में रोहित ने एडमिशन ले लिया और उसके बाद सब बदल गया। ये कौन आ गया यार? मुझे ये रोहित बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने आप को बहुत हीरो समझता है, इतना पॉपुलर बनता फिरता है। क्या ये अब कशिश के साथ बैठ गया? क्या बकवास है! मैं इतने महीनों से उसको सामने से देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया और इसने तो अभी अभी ज्वाइन किया है और ये साथ में बैठ गया। Not done. Hi, I'm Rohit. मैंने कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है। मेरी लगभग सबसे जान पहचान हो गई थी, पर तुमसे नहीं हुई थी। सोचा आज बात कर ही लूं। इतनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। I already know you. I'm Kashish. Everyone knows. तुम्हें तो सब जानते हैं। पता नहीं, शायद। यार ये मैथ्स वाले क्या पढ़ाते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। बट मैंने सुना है तुम इस क्लास की जीनियस हो, सो हाउ अबाउट यू टीच मी क्लास के बाद? ओके। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं और ये कशिश इतना मुस्कुरा क्यों रही है? क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? इस रोहित पर नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो। कबीर रोहित को फॉलो करने लगा। वो उस पर इसलिए नजर रखने लगा क्योंकि उसको लगता था कि वो कशिश के लिए ठीक नहीं है। कबीर की चाहत धीरे धीरे उस पर सवार होने लगी थी। वो रात दिन या तो कशिश को फॉलो करता या फिर रोहित पर नजर रखता। उसको उन दोनों की दोस्ती गहरी होती दिख रही थी और उनकी बड़ी दोस्ती देखकर जैसे कबीर के सीने पर सांप लौटने लगते थे। वो चीखने लगता था, अपनी फीलिंग्स कशिश से बयान करना चाहता था, रोहित को उससे दूर करना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। कबीर इस फिराक में था कि रोहित को किसी दिन किसी गलत काम को अंजाम देते रंगे हाथों पकड़ ले। और एक दिन ऐसा हुआ भी। माफ फसा लिया यार मैंने। सीरियसली यार, उसको लगता है कि मैं वो बॉय नेक्स्ट डोर जैसा हूँ जो कि मीठी मीठी बातें करेगा, पेड़ के नीचे बैठ के इश्क लगाए और शादी कर लेगा। मतलब भाई, लड़कियां कितनी बेवकूफ होती है और ये तो हद से ज्यादा है। सच में भाई, माल तो सही में तूने फंसाया है, पर जो लड़की कॉलेज में किसी भी दूसरे लड़के को भाव नहीं देती, वो तेरे इतना नजदीक कैसे आ गई? ये चमत्कार तूने कैसे किया? यार देख, कुछ दिन तक तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। क्लास के लगभग सभी लड़के उसके पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, इतना ऑब्वियस कर देते हैं कि वो उसको पसंद करते हैं और वो भावी नहीं देती है। तो भाई, मैंने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं पटेगी, इसको दूसरे तरीके से पटाना पड़ेगा। वो पढ़ाई में होशियार है तो मैंने उसको ये दिखाया कि मैं अपने ग्रेड्स इंप्रूव करना चाहता हूँ और अगर वो मेरी मदद कर देगी तो मैं उसका आभारी रहूंगा। बढ़िया है भाई, सही टेक्निक यूज करी तूने। पर अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा तू? यही मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेगा या आगे तेरी पर्सनल प्रॉब्लम का भी कुछ करेगा? अबे साले, करूंगा ना। तेरी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम सेम है। तेरे पास फिलहाल कोई माल है नहीं, तू बोले तो मैं लगे हाथों तेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। पर तू करेगा कैसे? तेरे जैसा माल मुझे कहां से दिलवाएगा? जो मेरा है वो तेरा है भाई, समझा? ओ, मतलब कि तू और मैं
और वो और क्या बे, तू मेरा भाई है आखिर। तू बोल क्या कहता है भाई। नेगी और पूछ आई एम इन, पर कब और कहां और उससे भी पहले कैसे? मेरे फार्म हाउस पर कल। उसकी कोल्ड ड्रिंक में बस एक ये पिली तो मिलानी है। मौका मिलते ही ये एक छोटी सी ब्लू पिल उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिला दूंगा। कुछ ही देर में वो हो जाएगी बेहोश और हम होंगे मदहोश। सही है। तो ये दोनों हरामी अपनी काली करतूतों को अंजाम देना चाहते हैं। कशिश को अगर मैंने कुछ भी बोला तो वो मेरा यकीन करने के बजाय साले रोहित को अलर्ट कर देगी। नहीं, मैं उसको बताने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे इन दोनों कमीनों को किसी तरह रोकना पड़ेगा। हाय कशिश। हाय, क्या हाल? बढ़िया। इनफैक्ट मैं आज तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। एक छोटी सी पार्टी रखी है मेरे पेरेंट्स ने हमारे फार्म हाउस पर। पार्टी? किस खुशी में रखी है पार्टी अचानक से? आज मेरा बर्थडे है यार, तो अचानक से नहीं रखी है, दो दिन पहले ही प्लान किया हम लोगों ने। बस तुम्हें आज ही बता रहा हूँ, तुम आओगी ना? प्लीज मना मत करना। ओके, आ जाऊंगी। कितने बजे पहुंचना है? ऑसम, यही बस 7 बजे तक आ जाना। एंड डोंट वरी कशिश, आफ्टर द पार्टी मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत पहुंचा दूंगा। आई प्रॉमिस। ओके, आई विल बी देयर। सी यू देन, बर्थडे बॉय। तो उस शाम कशिश रोहित के दिए हुए पते पर रोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके फार्म हाउस पहुंच गई। हाय रोहित, दिस इज फॉर यू। Wish you a very happy birthday. I just hope कि तुम्हें मेरा gift पसंद आएगा। Thanks. पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे, जरूरत कैसे नहीं थी? Birthday कोई रोज-रोज थोड़ी ना आता है। वैसे तुम्हारे parents कहाँ हैं? तुम्हारे बाकी कोई friends भी नहीं आए? आने वाले होंगे। तुम आओ ना, आराम से बैठो। थोड़ी देर में पार्टी शुरू करेंगे। What will you have? Rum, vodka, whiskey, या juice? Juice will be fine. Great. शायद मेरे दोस्त आ गए। तुम एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday मेरे भाई. Happy birthday to you. Thank you भाई. आजा। कशिश, ये है सनी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और सनी, ये है कशिश, मेरी मैथ टीचर। कोई टीचर वीचर नहीं, मैं भी दोस्त हूँ। हाय सनी, नाइस टू मीट यू। हाय, आई नो, इसकी तो मजाक की आदत है। भाई, बाकी लोग भी आते ही होंगे, तब तक मुझे तो एक ड्रिंक दे दे। कशिश, तुम कुछ लोगी? आई ऑलरेडी हैव, थैंक्स। तू खुद ही बता दे तुझे क्या चाहिए। पूरा का पूरा बार है, जो पीना चाहे पी। आजा, बार में दिखाता हूँ। क्या बात है, चल दिखा मुझे अपना बार। भाई, सब सेट है। Just wait for 10 minutes और फिर अपनी असली पार्टी शुरू होगी। सही है। रोहित, I'm not feeling well. मुझे चक्कर आ रहे हैं। कशिश, हो गया भाई इसका काम, ये बेहोश हो गई है। अब अपना टाइम आ गया मदहोश होने का। I'll go first, huh? क्या बवाल हो रहा है, ये कैबिनेट कैसे गिर गई, ये शीशा कैसे टूट गया? सनी, ये तेरे गले से खून। हेलो, आप कशिश के फादर बोल रहे हैं? कशिश को लेने आ जाइए जल्दी, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एड्रेस है 101 अंधेरी बाग। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम मेरी हो
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आई नेवर लीव यू, नेवर। एक हफ्ता बीत गया और साथ ही तुम्हारा मनोज दौर भी गुजर गया। कशिश, तुम्हें आज तक नहीं पता चल पाया कि तुम्हें किसने बचाया और कैसे बचाया। तुम्हें तो यह भी नहीं पता था कि जो सड़क का कुत्ता तुम्हारी रात की नींद खराब करता था, उसे भी मैंने ही गायब कर दिया था। या ये बोलो कि उसे हमेशा के लिए सुला दिया था। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूं। कोई बात नहीं, बस इस बात का शुक्र है कि तुम्हें उस कमीने की इंटेंशंस का पुलिस के थ्रू पता चल ही गया। पुलिस अभी भी उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने उन कमीनों को मारा, क्योंकि उसी इंसान ने तुम्हें बचाया। लेकिन किसी को कभी नहीं पता चलेगा कि वो और कोई नहीं, मैं हूं। एक सेकेंड, ये नया लड़का कौन है जो तुम्हें घूर रहा है? लगता है इसको भी वहीं पहुंचाना पड़ेगा जहां उन दोनों को पहुंचाया है। और एक दिन जब वक्त और जगह सही होगी, तब मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तब तक I'll just observe। आखिर मेरा प्यार, मेरी दीवानगी जो है,